नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नॉलेज बैंक चैनल के हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग ग्रुप में आप सभी लोगों का। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, सॉफ्टवेयर को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के दिमाग में चलती रहती है, और मैं आज सॉफ्टवेयर का एकदम सूक्ष्मता से विश्लेषण करके बताऊंगा कि क्या है ये RT 809F और कैसे इसका सॉफ्टवेयर करते हैं, क्या क्या हमको ध्यान देना है और क्या इसके अंदर आता है। जैसा कि आप सभी लोग बहुत सारे दिमाग में सवाल पैदा होते हैं कि हम प्रोग्राम कैसे करें, प्रोग्राम का मतलब क्या है, तो इन सारी चीज़ों की जो संभावनाएं आपके मन में पैदा होती हैं वो आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलें हम देखते हैं, इस बॉक्स में RT 809F है। देखिए ये 809 का F का बॉक्स है, इसमें एक 809 ये प्रोग्रामर आता है, साथ में ये एक USB केबल आता है, VGA केबल, और ये USB केबल भी आता है, और इसके साथ स्लॉट आते हैं। देखिए ये एक जिगजैग स्लॉट आएगा ये। तो देखें अभी मेन मुख्य विषय जो है ये प्रोग्रामर से कैसे प्रोग्राम करते हैं ये देखें। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है ये जो सॉकेट है ये किस लिए और कहाँ से कैसे लगेगा। तो मैं बताना चाहूँगा, ये जो USB केबल दिया हुआ है, प्रिंटर में जो USB केबल आता है वही इस्तेमाल किया है, और इसमें ये जो प्रिंटर साइड का जो सॉकेट दिख रहा है, देखें यहाँ आप लगा सकते हैं, ध्यान रखें ये उल्टा लगेगा ही नहीं, आप सीधा ही दिखाएं, जब ये सीधा लगाएंगे तो ये बैठ जाएगा। अब ये साइड लगेगा हमारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर के USB में इसे हम लगा देंगे। तो मैं इसको USB में लगा देता हूँ। देखिए मैंने USB में इसको लगा दिया, और यहाँ आप देख पा रहे हैं लाइट ब्लिंक हो रही है, तो ये लाइट ब्लिंक होने दें। अब बचता है ये हमारा VGA केबल, ध्यान रखें इसके साथ में जो VGA केबल होता है इम्पोर्टेंट होता है, कोशिश करें कि ना खराब हो, क्योंकि बाजार से जब हम VGA केबल लेते हैं तो कभी कभी उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती है। अब हम इस VGA केबल के किसी भी तरफ के सॉकेट को हमको इसमें लगा देना है, VGA ISP जहाँ लिखा है वहाँ हम लगा देंगे, और कोशिश करें कि ये आप इसको टाइट कर दें। टाइट इसलिए क्योंकि वायर इम्पोर्टेंट है, इसके साथ जो आता है ये वायर बाजार से जब हम लेते हैं खराब होने के बाद तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए हम ध्यान रखें और इसको यहाँ टाइट कर दें। अब ये जब आपने टाइट कर दिया तो इसका जो कनेक्टिविटी है वो इतनी प्रॉपर हो जाती है कि कोई भी एरर आने के प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। देखें हमने इसको लगा दिया। अब सवाल ये आता है कि हम प्रोग्राम कैसे करें, तो प्रोग्राम करने से पहले आपको इसको कनेक्ट करना होगा मदरबोर्ड के साथ। तो देखें हमारे पास एक मदरबोर्ड है, ये रहा मदरबोर्ड। अब ये मदरबोर्ड के VGA सॉकेट से हम इसको कनेक्ट करेंगे। देखें हमने इसको कनेक्ट किया VGA सॉकेट के साथ। कनेक्ट करने के बाद कोशिश करें आप यहाँ भी टाइट कर दें ताकि हिलने के चांस ना हो। उसके बाद क्या अब प्रोग्राम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, अभी एक प्रोसेस और बाकी है। इसको हमको कनेक्शन देना, सप्लाई देना है। सप्लाई देने के लिए हम यहाँ लगाएंगे मेन कोड, ये जो सॉकेट जिग जैक लगा है हम यहाँ इसको लगा दे रहे हैं। देखें हमने लगा दिया। अब हमारा जो कनेक्शन है पूरा हुआ, पर प्रोग्राम करने से पहले ये ध्यान देना है कि क्या इसमें रेड लाइट आ रही है। ये रेड लाइट आनी ही चाहिए। मान लीजिए अगर आप इसको बंद रखते हैं तो रेड लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे, तो आप प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। देखें हमने लाइट को ऑन किया और यहाँ पे हमने इसको रेड लाइट में लाया। ध्यान रखें हाथ आगे पीछे जाएगा तो करंट इसी तरह से मारेगा। बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखें ये आप रेड लाइट पे ध्यान दें, रेड लाइट आनी चाहिए। अब ये हमारा जो RT 809F है प्रोग्राम करने के लिए रेडी है, परंतु अब एक दूसरी चीज़, क्या हमारे कंप्यूटर में इसको ऑपरेट करने का ड्राइवर इंस्टॉल है? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर इसके ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो आप प्रोग्राम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि
इसमें तो ड्राइवर कुछ आया नहीं, कहाँ से ड्राइवर आएगा? तो मैं बताना चाहूँगा, आप ड्राइवर के लिए इसकी वेबसाइट पे जाकर के ले सकते हैं, और RT809F ड्राइवर्स आप सर्च करेंगे गूगल में तो तमाम जगह पे मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप ग्रुप में से ले सकते हैं। तो अब जब आपको RT809F आपने कनेक्शन कंप्लीट कर लिया, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कंप्यूटर में इसके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना होगा। किस तरह से करेंगे आइए मैं देखें। मैं अपने कंप्यूटर में RT809 इंस्टॉल करके रखा हूँ, इसलिए मुझे इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना होगा। जब ड्राइवर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह से एक आइकॉन दिखेगा आपको, इस आइकॉन पे क्लिक करना है। देखें मैंने क्लिक किया तो प्रोग्रामर खुलेगा, आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे हमारा प्रोग्रामर ऑन हो रहा है, और ऑन होते ही इस तरह से सरफेस आपको दिखेगा स्क्रीन पे। और जब इस तरह से सरफेस दिख रहा है, ये देखिए डिटेक्ट RT809F सॉफ्टवेयर दैट हैज ए न्यू वर्जन इज रिलीज टू डू यू वांट टू डाउनलोड, ये पूछ रहा है कि इसका लेटेस्ट वर्जन रिलीज हुआ है, क्या आप डाउनलोड करना चाहते हैं? तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि नया वर्जन डाउनलोड में हम समय बिगाड़ें। तो आप देखें इस तरह से सरफेस आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब यहाँ तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं, स्मार्ट आइडेंटिफाई, उसके बाद ऑटो ISP, बफर और टूल चैन, ये चार चीज़ ऊपर दिखाई दे रही है। एक ये देखें, हमें सिर्फ ऑटो ISP पे क्लिक करना है। ऑटो ISP पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ मैसेज आता है, हमने दो बार क्लिक किया इसलिए दो बार ये डिटेक्शन का मैसेज दे दिया। इसने बताया कि इसकी कैपेसिटी 128 मेगाबाइट्स है और कनेक्टिविटी ये बता दे रहा है। अब मान लीजिए हमने स्विच ऑफ कर दिया इस बोर्ड का, अभी रेड लाइट जानी चाहिए, अभी रेड लाइट थोड़ा देर रहेगी क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होता है। स्विच हमने ऑफ कर दिया, और स्विच ऑफ करने के बाद ये रेड लाइट जा नहीं रही, इसलिए मैं इसको एक बार ऑन करने की कोशिश करूँगा ताकि इसका डिस्चार्ज हो जाए। देखिए हमने स्विच ऑफ कर दिया, अब हम फिर से करेंगे इसको ऑटो ISP पे, क्या मैसेज आ रहा है। देखिए नीचे पढ़ें, चिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड प्लीज चेक, मतलब ये जो चिप को आप रीड करने का प्रयास कर रहे हैं वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड करके मैसेज यहां दिया, क्योंकि हमने यहां पावर बंद किया। तो ध्यान रहे जब भी पावर ऑन रहेगा तभी ये इसको रीड करेगा, अन्यथा रीड नहीं करेगा। तो हम फिर से पावर ऑन करते हैं और यहाँ देखते हैं रेड लाइट आई क्या, हाँ रेड लाइट आ गई। इसके बाद अब हम करेंगे फिर से ऑटो ISP, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑटो ISP पे, और फिर से हमें डिटेक्शन का मैसेज ओके आना चाहिए। देखिए फिर से ओके का मैसेज आ गया, अर्थात इसने इस चिप के प्रोग्राम को डिटेक्ट कर लिया है, रीड कर लिया है। अब आप यहाँ नीचे देखें, रीड सेव ओपन राइट वेरीफाई इरेज ब्लैंक एंड रीसेट, ये इतनी सारी बटन दिख रही है। अब हमको डिसाइड करना है कि क्या करना है, हमें रीड करना है, राइट करना है या वेरीफाई करना है। तो अभी हम जा रहे हैं इसको रीड करने, इसके अंदर जो डेटा है, जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर सॉफ्टवेयर है, उसे हमें रीड करके अपने PC में रखना है। तो हम क्या करेंगे, ऑटो ISP क्लिक करने के बाद ओके का मैसेज देखेंगे, ओके हो गया, उसके बाद अब हम इसको रीड दबाएंगे। देखें हमने रीड दबाया और ये रीड करना शुरू कर दिया, यहाँ उसकी प्रोसेस दिखेगी, यहाँ 100% तक प्रोसेस होगी, और 100% प्रोसेस होने के बाद एक बार ऑटो वेरीफाई होगा। तो ये 100% प्रोसेस होने देते हैं और उसके बाद आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखें अभी लगभग ये 95% हो गया है, अब ये 100% होने के बाद एक बार दोबारा ये ऑटो वेरीफाई करेगा। देखें फिर से यहाँ लिखा आ गया ऑटो वेरीफाइंग, अर्थात ये दोबारा उसको वेरीफाई कर रहा है कि हमने जो डेटा रीड किया है क्या परफेक्ट है या कुछ गड़बड़ी है, तो वो
दोबारा ये प्रोसेस होने दें, यहां बिल्कुल ये ना सोचें कि ये दोबारा क्यों हो रहा है, होने दें, ये इसका प्रोसेस है। देखें ये लगभग 85% ऑटो वेरीफाइंग हो गया है, मतलब वेरीफाई कर रहा है दोबारा, और ये लगभग 90-91% हो गया है। 100% होते ही यहाँ एक मैसेज खुलेगा, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या है वो मैसेज। देखें ये कह रहा है कि रीड हो गया, अब इसने रीड कर लिया, अब इस तरह का एक पॉपअप खुला है। इसका मतलब ये है, ये पूछ रहा है कि जो फाइल रीड किया गया है इसे सेव करने के लिए कह रहा है। यहाँ देखिए सेव पे दो चीज ये पूछ रहा है, इसका मतलब दो चीज समझे। पहला मतलब ये ग्रीन है, ब्लू है, इसका मतलब ये कि ये नाम शो कर रहा है कि सिस्टम ने इस सॉफ्टवेयर का जो नाम रख दिया है वो यहाँ शो कर रहा है। और ये ब्लू है, यहाँ देखें इसका मतलब है कि ये सेव करने के लिए पूछ रहा है कि इसे आप अपना अब सेव करें। अब यहाँ दो चीजें मैं कहूँगा, पहली चीज तो आप इसे सेव ना करें अभी, क्योंकि इसके नाम को आप बदल दें। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम द्वारा जनरेट किया हुआ नाम है। अब यहाँ आपको नाम वो रखना है जिस बोर्ड का आप सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, उस बोर्ड का नाम यहाँ आपको लिख देना है। अब देखें यहाँ नाम लिखने के साथ में हम यहाँ बोर्ड का नाम लिख रहे हैं, तो मैं लिखना चाहूंगा बोर्ड का नाम CV59L59L B23। हमने ये नाम रख दिया इसका, हमारे जो मदरबोर्ड का है। और अब एक चीज और मैं यहां कहूंगा कि जब नाम लिख दिया, आप ये जो नीचे लिखा रहा है इस पर ध्यान ना दें, क्योंकि मैंने पहले से इसको सेव करके रखा है एक फाइल मेरी, तो ये पूछ रहा है कि क्या वही नाम रखना है क्या। बिल्कुल नहीं। अब मैंने यहाँ इसका नाम लिख दिया, और नाम लिखने के बाद मैं चाहूंगा कि मैं ये भी मेंशन करूं कि जो सॉफ्टवेयर मैं ले रहा हूं वो फुल HD का है या HD रेडी का। अब ये कैसे पता चलेगा फुल HD का है या HD रेडी का, तो फुल HD का सॉफ्टवेयर है या HD रेडी का है ये कैसे पता चले, तो खाली बोर्ड से आपको पता नहीं चलेगा, उसका दूसरा प्रोसेस है। लेकिन अगर आप किसी सेट में से सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो उसमें लगी हुई पैनल आपको बता देगी कि वो फुल HD है या HD रेडी। तो मैं बताना चाहूंगा, मुझे पता है ये जो बोर्ड मैंने निकाला है HD रेडी सेट से निकाला है, अर्थात उसके LVDS की संख्या 5 पेयर की थी, या अगर LVDS लगा है तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि वो फुल HD है कि HD रेडी। 5 पेयर इसके LVDS में जा रहे हैं तो ये HD रेडी का सेट है। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं उस सॉफ्टवेयर के जो नामकरण मैं कर रहा हूँ, नाम रख रहा हूँ, तो मैंने इस सॉफ्टवेयर का नाम रख दिया जो ये बोर्ड का नाम है। अब साथ में ये भी मैं मेंशन कर दूं कि वो HD रेडी है या फुल HD है, तो हमको दोबारा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमने जो सॉफ्टवेयर रखा था पता नहीं फुल HD का था या HD रेडी का। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे मैं HD रेडी मेंशन करूं, तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं HD रेडी, या आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं 5 पेयर 10 पेयर, जैसे भी आप समझते हो उस तरह से आप इसका नाम रख दें। अब नाम रख दिए तो देखें ये ब्लू से अब हट गया, मतलब इसको यहाँ अब कुछ कह रहा है कि मतलब ठीक है नाम तो मिल गया, लेकिन अभी ये काम बाकी है सेव करने का। तो अब हम इसे सेव करेंगे, सेव दबाते ही ये हमारी फाइल सेव हो जाएगी। लेकिन एक बार यहाँ नोटिस कर लें कि आप सेव कहाँ कर रहे हैं, तो हमारे इस कंप्यूटर में बता रहा है लोकेशन की सेव कहाँ हो रहा है। वीडियोकॉन FHD नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर न्यू फोल्डर है और वहां पे ये सेव होगा। यहाँ एक समझने वाली बात है, लोकेशन यहाँ बताता है ऊपर कि आपका सॉफ्टवेयर कहाँ सेव हो रहा है। चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने सेव कर लिया, अब ये जो हमने फाइल सेव किया वो हमारा सॉफ्टवेयर था, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। पांडे जी ने बताया कि ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो, सॉफ्टवेयर तो दिखाई नहीं दिया कहीं पे। अब मैं बताना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर क्या मिला आपको, क्या दिखा, चले हम देखते हैं।
अब हमको वहां जाना है जहां हमने इस फाइल को सेव किया। कहां सेव किया हमने फाइल, तो मैंने बताया उसमें एक वीडियोकॉन नाम का फोल्डर था, उसके अंदर न्यू फोल्डर था। तो चले हम वहां चलते हैं स्क्रीन पे। इस सरफेस को हम मिनिमाइज करेंगे। मैं अपने कंप्यूटर को खोला, हम यहाँ कंप्यूटर को खोले, आपने देखा हमारा कंप्यूटर खुला। अब हमारे कंप्यूटर में 1 2 3 4 5 6 6 ड्राइव है। अब कहाँ सेव हुआ तो वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपके पास ये एवरीथिंग सर्च करके एप्लीकेशन है तो आप इसके माध्यम से सर्च कर सकते हैं कि आपका अब सॉफ्टवेयर कहाँ गया। बहरहाल मुझे पता है कहाँ गया है, क्योंकि मुझे उसका लोकेशन पहले से मालूम है। तो मेरा जो सॉफ्टवेयर मैंने सेव किया है वो डी ड्राइव में गया है। अब डी ड्राइव को हम ओपन करेंगे। देखिए मैंने ओपन किया, यहाँ पे डी ड्राइव में एक फोल्डर है जिसका नाम है बिन फाइल। यहाँ आ गया बिन फाइल। बिन फाइल में देखिए वीडियो कॉन एफ एच डी वहाँ शो कर रहा था। ये फोल्डर है वीडियो कॉन एफ एच डी। हमने वीडियो कॉन एफ एच डी खोला तो वहाँ के बाद फिर एक न्यू फोल्डर आया। ये न्यू फोल्डर में हमने देखा कि हमारा सॉफ्टवेयर आ गया कौन सा, ये CV59L B23 HD Ready। यही हमने नाम दिया था, और यही नाम दिया था। देखें आपको यहाँ ये नाम सेव कर रहा है। अब सवाल ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर कहाँ है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, यही सॉफ्टवेयर है जो हमको वहाँ से मिला। देखें आप फिर से, बिन फाइल इसका एक्सटेंशन है और इसकी वैल्यू 4096 KB है, मतलब 4096 KB का ये सॉफ्टवेयर है। और उसका नाम है CV59L B23 HD Ready का सॉफ्टवेयर है। तो अब हमको ये सॉफ्टवेयर यहाँ मिल गया और हम इस हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे आ गया है। अब सवाल ये आता है कि जब हम इसको दोबारा ढूंढेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा, आप अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर बना लीजिए जिसमें खाली आप बिन फाइल ही रखें। तो जो भी आप रीड करते हैं अपने मदरबोर्ड को या एलईडी के बोर्ड को, जो भी बिन फाइल आपको मिलती है वो उसी फोल्डर में डंप करते जाएं। और उसका नाम रखने में हमेशा ये ध्यान दें कि बोर्ड का ही नाम उस सॉफ्टवेयर का नाम रखें। साथ में ये भी नोटिस करें कि वो जो आपने सॉफ्टवेयर लिया है जिस बोर्ड से, वो एच डी रेडी है या फुल एच डी, वो मेंशन वहां जरूर करें। सवाल ये पैदा होता है कि हमें पता कैसे चले कि वो फुल एच डी का मदरबोर्ड है या एच डी रेडी का, या उसमें निकलने वाला जो सॉफ्टवेयर निकल रहा है वो फुल एच डी का निकल रहा है या एच डी रेडी का। तो मैं बताना चाहूंगा, अगर उस सेट में एच डी रेडी का पैनल लगा हुआ है और सब कुछ कंप्लीट चल रहा है तो उसके अंदर रन करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो एच डी रेडी का है। और अगर उस पैनल में फुल एच डी की पैनल लगी है, अर्थात 10 पेयर वाली पैनल लगी है, तो उस मदरबोर्ड में रन करने वाला सॉफ्टवेयर फुल एच डी का है। तो ये ध्यान रखने के बाद ही उसका नाम रखें ताकि आपको आगे आसानी हो। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने RT809 को कनेक्ट किया, किस तरह से हमने उसके पावर सीक्वेंस को समझा कि मदरबोर्ड में सॉफ्टवेयर रीड करते समय पावर उसमें होना चाहिए। सेट ऑन है या बंद है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पावर होना चाहिए, अर्थात रेड LED जलनी चाहिए। और हमने ये भी देखा कि कैसे हमने उसको कनेक्टिविटी चेक किया ऑटो ISP दबा करके कि हमारा बोर्ड कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ कि नहीं, और फिर रीड बटन दबा करके हमने उसको रीड किया। रीड हुआ, थोड़े समय के बाद ऑटो वेरीफाई हुआ। ऑटो वेरीफाई के बाद उसने एक पॉपअप खोला जिसमें सेव का ऑप्शन पूछ रहा था और नाम बदलने के लिए ऑप्शन दे रहा था। आपने ये सब चीजें हमारे वीडियो में देखा। और उसके बाद हमने सेव किया, सेव करने का जो लोकेशन था वहां जाकर हमने चेक भी किया कि जिस नाम से हमने फाइल रखी है कंप्यूटर में उस नाम से वहां हमको एक बिन फाइल मिली।
तो दोस्तों ये हमारा एक स्टेप का वीडियो था जिसमें मैंने बताने का प्रयास किया कि कैसे आप राइट करते हैं डेटा को, कैसे आप एलसीडी या मदरबोर्ड में से निकाल के अपने कंप्यूटर में किस प्रकार रखते हैं। और दोस्तों ये इसकी आवश्यकता क्या है तो मैं बताना चाहूँगा। आप आए दिन नए नए सॉफ्टवेयर के लिए ग्रुप में ढूंढते हैं, दूसरे से मांगते हैं, दूसरा आदमी सॉफ्टवेयर देता है पर पता ही नहीं चलता है कि वो फुल एचडी है कि एचडी रेडी है। तमाम चीज़ें होती हैं, कभी वो चलता है कभी नहीं चलता है। तो यदि आप इस तरह से अपने पास खुद सिक्योर करके डेटा रख रहे हैं और अपने हिसाब से रख रहे हैं, आपको आप अपने हिसाब से नाम लिख रहे हैं कि फुल एचडी है कि एचडी रेडी है, तो होगा क्या कि आपको दूसरे से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर के डंप होंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कभी भी ये आप सॉफ्टवेयर अगर आपके पास कोई सेट आ रहा है तो कोशिश करें कि उसका सॉफ्टवेयर ले लें। अब यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपने सारा प्रोसेस कर दिया कंप्लीट और उसके बाद भी आपका जो प्रोग्रामर है या कंप्यूटर है कनेक्टिविटी कंप्लीट नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि मतलब आपकी चिप नॉट रिकॉग्नाइज आ रहा है, जैसा कि मैसेज आ रहा था नॉट रिकॉग्नाइज का, तो अगर उस तरह से मैसेज आ रहा है नॉट रिकॉग्नाइज का तो क्या हो सकता है? पांडे जी ने जैसा कहा हमने तो सब कुछ वैसा किया पर फिर भी ये कनेक्ट नहीं हो रहा। तो मैं बताना चाहूंगा कि वो इसलिए नहीं कनेक्ट हो रहा है क्योंकि उसमें जो फ्लैश आईसी लगी है उसको हम वीजीए के द्वारा रीड नहीं कर पा रहे, अर्थात ये प्रोग्रामर उस फ्लैश आईसी तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो क्या करें? तो दोस्तों ऐसे सेट में हमको वो प्रोग्रामर आईसी निकालना पड़ता है, निकाल करके इस जिग जैग आईसी में फंसाना पड़ता है। इस जिग जैग आईसी में फंसा करके इसको हम यहाँ लगाएंगे। देखें यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसमें से आईसी हमने निकाला, इसमें फंसाया, फंसाने का भी एक सीक्वेंस है कि आपको पता होना चाहिए कि एक नंबर पे ही जा रही है। यहाँ मार्क बना हुआ है, आप लोग सीआरटी से हैं, आप लोग मास्टर हैं तो उतना तो आपको पता ही होगा कि एक नंबर जहाँ पे है वहाँ एक नंबर सेट करें और इसको जब नीचे करेंगे आप तो यहाँ आईसी डालेंगे तो आईसी फंस जाएगी और ऊपर करने के बाद लॉक हो जाएगी, गिरेगी नहीं आईसी। फिर यहाँ देखें RT809 में यहाँ बना है मार्का, इस मार्के में नीचे सिंबल दिया है, यहाँ पे आईसी बिठाने की आवश्यकता है। इस फ्लैप को ऊंचा करें, इसमें डालें और इसको लॉक कर दें। आपने लॉक कर दिया, अब जिस बोर्ड में वीजीए से नहीं कनेक्ट हो रहा था आपका प्रोग्रामर, वीजीए के माध्यम से रीड नहीं कर रहा था, उस बोर्ड की प्रोसेस बता रहा हूँ कि आईसी को निकाल करके यहाँ भराना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसी प्रोसेस में जाएंगे, फिर वहीं पे जाएंगे हम और क्या करेंगे, फिर वहाँ पे स्मार्ट आइडेंटिफाई करेंगे, स्मार्ट आइडेंटिफाई स्मार्ट आईडी को क्लिक करेंगे। मतलब अगर हमको वीजीए से कनेक्ट करना है, वीजीए से डेटा लेना है तो हम क्या करेंगे, ऑटो आईएसपी करेंगे, लेकिन अगर वीजीए के माध्यम से नहीं हुआ तो हमको वीजीए तो हमको प्रोग्रामर की जो आईसी वो फ्लैश आईसी को निकाल करके इस प्रोग्रामर में डालना पड़ेगा और फिर स्मार्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो यही प्रोसेस फिर दोबारा होगा। यहाँ रीड दबाएंगे तो रीड होगा, फिर सेव का ऑप्शन, फिर अपने द्वारा नाम का सिलेक्शन। तो ये पहले स्टेप का हमारा वीडियो था, ये सिखाता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर के डेटा को रीड कैसे करते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका इस पहले स्टेप के वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको इसके आगे वाले स्टेप के वीडियो को देखना है तो आप हमारा स्टेप 2 जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, स्वागत आपका।